इंटरव्यू चल रहा है, धीरे बोलो। ऐसे कुछ सोचा ही नहीं था यार। मतलब सबसे पहले तो मतलब जब मैंने शक्ति और कुमार को देखा था तो मुझे मालूम था कि इनकी मुझे एक्चुअली मालूम नहीं था कि इनकी केमिस्ट्री अच्छी है, बट उनको जब मैंने देखा तो आई थॉट दे कुड डू इट वेरी वेल। सो एंड देन ऑफ कोर्स हर कैरेक्टर, वी वर जस्ट ट्रू टू द कैरेक्टर्स एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द होल शो वाज द ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। वही फंडा था। Ray was a different character, Kriya was a different character, so unke opposite poles attracted. They were drastically different from the beginning, Swayam and Sharon. Unka ho gaya. Then when we introduced Tani for me, I'm telling you, was the most difficult character because they were the that was the wrong character that we created and she was supposed to be the heroine. So mujhe love story inki karne mein bahut maza aaya tha. And sabse zyada maza aaya tha ki we had to come over that. मतलब वी वर सपोज टू क्रिएट न्यू फैन फॉलोइंग विद रे एंड दिस वन व्हिच वी वर सक्सेसफुल। स्टार्टिंग में थोड़ी सी हाँ प्रॉब्लम हुई थी, इतनी गालियां पड़ी थी, आए हाय। मैं स्टार्टिंग वन मंथ में ही थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद टच वुड लकीली इट वाज वर्किंग, द कैरेक्टर वाज वर्किंग। तो नहीं मैम का भी Equally, let's just, yeah, please give credit to both the directors. I think directors ने इतना input डाला था because कहीं ना कहीं कुंवर भी थोड़ा सा मतलब उसको भी थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगा था, बिकॉज यू नो ऑफकोर्स यू नो ही वाज सो अटैच्ड विद दैट कैरेक्टर एंड उन्होंने वर्कशॉप साथ में की थी। स्टार्टिंग में एक वो एक तो दिल से वाला सीन कर दिया था, हम दोनों ऐसे थे कि अच्छा ये कर रहे हैं। यू वर सपोज्ड टू, यू वर नॉट सपोज्ड टू, मतलब एज इन तानी को पता नहीं था कि हो क्या रहा है और रे वॉज क्रिया के थॉट्स में एंड यू वर एक्चुअली सपोज टू लिव अप टू दैट। पहले ना मैंने बहुत गाली खाई थी मैम की, क्योंकि मेरा लुक पहले ना पफ होता था स्टार्टिंग में, फील रिमेंबर। तो मैंने पफ मत करो आज, गाली मतलब ऐसी वाली नहीं, प्यार भरे। हां एग्जैक्टली, अब वो हां हमारी वही है, समझ लो भी आप। तो मैंने बाल अपने हिसाब से अपनी मर्जी से खुले रखे हुए थे, बट लकीली वो वर्क कर गया था तो मैं बच गई थी उसके बाद। एंड आई थिंक वो सीन बहुत बहुत प्यारा था, शी वाज लुकिंग वंडरफुल। एंड वो सीन के बाद आई एम श्योर मैम को मुझ पे थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस आया था, मुझे और वंशिका को, क्योंकि वंशिका चैनल में थी उस वक्त, सो हम दोनों को बहुत कॉन्फिडेंस आया था। वी लाइक नो शी इज वेरी गुड एंड शी विल लिव अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस। शांत तो ये है, बहुत अच्छा बच्चा है ये, बहुत हार्ड वर्क करता है। नहीं नहीं मतलब अच्छे से शांत, मतलब कोई टैंट्रम नहीं है। नो ट्रूली सर, कोई टैंट्रम नहीं है, मतलब सब में से मैं बोलूँगी, नहीं सारे लड़के एक्चुअली कुंवर को छोड़ के हर किसी का टैंट्रम नहीं है सारे लड़कों में, पर कुंवर को अलाउड है, इट्स ओके। एंड ये दोनों नखरेबाज, आपको क्या लगता है गुजराती बेंस? हेलो, एक बार दानिश को बुलाओ। दानिश विल एक्चुअली टेल यू, बट द पॉइंट इज कि दोनों बहुत ज़्यादा नखरेबाज हैं। इसके नखरे अलग लेवल के हैं, इसके नखरे अलग लेवल के हैं। दानिश, इसने दानिश ने सबसे ज़्यादा डील किया है, तो तुम्हारे हिसाब से इन दोनों से कौन नखरेबाज है? दोनों है वैसे तो, लेकिन सबसे ज़्यादा तो मेरे को लगता है तानी है, वृंदा। उसने अपना हीरोइन होना दिल पे लिया था। अभी पता नहीं, अभी हम लोग है नहीं तो शरण इसका ऋषिका का पता नहीं, अभी शायद करने लगी नखरे। करती है क्या? अभी तक रिपोर्ट आई है नहीं ऐसी, लेकिन ऐसा कुछ रहेगा तो हम लोग जरूर अपडेट देंगे आपको। एक वीडियो मैंने शूट किया था दोनों का, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने नाटक करते हैं दोनों। यस, द गुज्जू कनेक्ट, गुज्जू कनेक्शन। क्या पता क्यों नहीं बोलती है, क्यों नहीं बोल
बोलती है आप? मैं बोलती हूँ मैं सबका सेंटेंस कंप्लीट कर नहीं बोलना बाबा, फैंस को क्या बोलोगे तुम ऋषिका? नहीं, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि वो एक एस्थमा वाला सीन था, बहुत बड़ा सीन था, और आई थिंक फर्स्ट टाइम मुझे मैम ने तारीफ की थी तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। यादें भी की थी पर वो सीन के लिए तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी, और चाय रेड के लिए मुझे दो बार मैम ने मुझे उल्लू बनाया था पर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। थैंक यू मैम, वो तारीफ करने का थैंक यू मैम। मैम बहुत कम तारीफ करती है तो सुनने मतलब उनसे सुनना थोड़ा सा शॉकिंग था। ऐसा नहीं है, मैं कम तारीफ करती हूँ, मुझे ये क्या है अभी ऐसा नहीं है, मतलब मैं करती हूँ तारीफ, मैं ओनली व्हेन आई ट्रूली ट्रूली लाइक समथिंग मैं तारीफ करती हूँ, फालतू में ये गुड गुड नहीं बोलती हूँ। सवाल तुम बात क्यों नहीं, बात क्यों कम करती? ये नहीं क्या इस इंटरव्यू में नहीं, ऐसे जनरल नॉर्मली सारे इंटरव्यू में बात नहीं करती, सारे लोग करते हैं। अब बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा, बोलो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बात करती हूँ लेकिन मैं बात करती हूँ बस, मैं बात ही करती हूँ। मैं वही तो कह रही हूँ, मैंने कभी फुटेज निकाली नहीं ना, मेरी मिस्टेक हो गई। रूम में देखो आप इसको, चपड़ 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 सीरियसली मतलब बहुत ज्यादा बोलती है, ऐसा नहीं है कि बोलती नहीं है, बोलती बहुत है, बस कैमरा के सामने इंटरव्यू होते तभी पता नहीं ऐसे एकदम अचानक से ऐसे जॉम्बी बन जाती है और इससे स्माइल करती है, वरना ये जनरली बहुत बात करती है। थैंक्स नहीं बोलूँ ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन आई विल से ये 3 साल तो हमने कोशिश करी है बहुत कुछ डिलीवर करने की, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी हुए, बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं, एंड वी विल ट्राई कि यहाँ से जो अब जर्नी स्टार्ट होगी वो और अच्छी हो, और ज़्यादा अमेजिंग वर्क दिखाएं, हम स्टोरी लाइन लेके और अच्छे डांसेस करके लाएं, क्योंकि 3 साल में आप लोगों ने ऑलमोस्ट हमारे सारे फॉर्म देख लिए, सब कुछ देख लिया है, तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि हम अब उससे बेटर करके दिखाएं सो दैट आप लोग सेटिस्फाई हो पाएँ। सो वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम आपको सेटिस्फाई करें, एंड आप लोग हमें अगेन नंबर वन एंड हमेशा नंबर वन रखें, जब तक D3 अब है, जब तक वर्क करेगा, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। सो आई लव यू ऑल एंड प्लीज बी विद अस एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। Hi, this is Vrinda Davda. You're watching me on India Forums. Please subscribe to WhatsApp TV.